नमस्कार दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि बच्चे आत्या को उधर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तब आत्या रुक जाती है। अनुज और श्रुति होटल के लिए निकल जाते हैं, तब वनराज अनुपमा को पूछता है कि तुम नहीं जा रहे क्या अनुज के साथ। वनराज सबको बोलता है कि क्या पता कल क्या होगा, आज रात हम सब जम के मस्ती करेंगे। ये सुन के अनुपमा को वनराज के इरादों पर शक होती है। अनुपमा वनराज को अकेले में मिलती है और पूछती है कि आप टीटू डिंपी के शादी में क्या कलेश करने वाले हो। तब वनराज अनुपमा को बोलता है कि मैं टीटू डिंपी के शादी करवाऊं या ना करवाऊं, शादी में कलेश करूं या ना करूं, इसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम जाके कोना पकड़ो और बैठ के रो, तुम्हारे अभी का हालत रोने के ही लायक है। ये सुन के अनुपमा एकदम हिल जाती है। अनुपमा देविका और काव्या को बोलती है कि अब हमें वनराज के अगले चाल के लिए वेट करना पड़ेगा। श्रुति और अनुज को होटल में वो फूड क्रिटिक मिलती है जिसने स्पाइसन चटनी के अगेंस्ट कंप्लेन की थी। वो श्रुति से आके बात करती है, तब अनुज श्रुति को पूछता है कि तुम्हें ये फूड क्रिटिक को कैसे पता। वहाँ होटल में अनुज को नींद नहीं आते है। अनुज सोचता है कि जैसे अनुपमा से मिली हूँ तब से मैं अनुपमा की नजदीक आते जा रही हूँ, मुझे ये सब श्रुति को खोल के बोलना पड़ेगा, मैं श्रुति को धोखे में नहीं रख सकता। वनराज वहां खुश होता है कि अब तो टीटू डिंपी के शादी में आतिशबाजी नहीं बॉम्ब विस्फोटन होगा। रात में अनुपमा को भी अनुज की याद आती है। अनुपमा ये सोचती है कि मुझे बार बार अनुज की याद क्यों आती रहती है। अगले दिन सुबह अनुज श्रुति के रूम में पहुंचता है। श्रुति के फोन पे वो फूड क्रिटिक कॉल करती है। अनुज को श्रुति के ऊपर शक होता है। टीटू डिंपी की शादी में वनराज क्या बॉम्ब विस्फोटन और आतिशबाजी करने वाला है? श्रुति और उस फूड क्रिटिक के बीच में क्या संबंध है? अनुपमा के आने वाले शानदार एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।